मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली हमारा डाइट या उसका प्रिवेंशन की जब मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली कोई डाइट की बात नहीं करा, बट क्योंकि मैं एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल भी हूँ तो हर चीज़ को देखने का जो मेरा एंगल होता है वो प्रिवेंशन उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली फोकस्ड ज़रूर होती है। सो आज मैं फोकस करूँगा कोरोना वायरस की प्रिवेंशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए की गाइडलाइंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखें, जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की या न्यूट्रिशन की या किसी भी ऐसे एस्पेक्ट की जो डायरेक्टली रिलेटेड है ह्यूमन लाइफ के साथ, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, सिर्फ और सिर्फ इंतहाई ऑथेंटिक बात करें और वो बात करें जिससे किसी का नुकसान ना हो, और हम हमेशा रेफरेंस बेस्ड बात करें। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है CDC जो सबसे ऑथेंटिक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है प्रिवेंशन की जब भी हम बात करते हैं। सो CDC कम्स फर्स्ट। सो पांच मेजर प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज इस वक्त CDC ने हमें दिए हैं कोरोना वायरस की प्रिवेंशन के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने एज यूजुअल अपने नोट्स बना लिए हैं सो दैट कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए बीच में से। अच्छा जी, फर्स्ट जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी CDC ने हमें दी है फॉर कोरोना वायरस वो है प्रॉपर हैंड वॉशिंग, और उसके अंदर हैंड वॉशिंग आपकी डेफिनेटली सोप एंड वाटर से होनी चाहिए, या अगर सोप एंड वाटर आपको अवेलेबल नहीं है, आप घर से बाहर हैं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास फिर सैनिटाइजर होना चाहिए। लेकिन प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो सैनिटाइजर है वो अल्कोहल बेस्ड हो। और क्यों जरूरी है हैंड वॉशिंग? क्योंकि हैंड वॉशिंग आपके जर्म्स को जिसके अंदर वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं प्रीडोमिनेंटली किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है। अच्छा, हैंड वॉशिंग के ऊपर एक मेरा वीडियो क्लिप सेपरेटली मैंने बनाया है, क्योंकि बिलीव मी जब हम हैंड वॉशिंग की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंटली और करेक्टली हैंड वॉश करना बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिर्फ बच्चों में नहीं, बच्चे तो नॉर्मली वैसे ही बहुत जल्दी करते हैं हाथ धोने में, इवन एडल्ट्स, एज एडल्ट्स भी हम लोग कई बार उन चीजों को फोकस नहीं करते जो हैंड वॉशिंग करते हुए हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो उसके ऊपर मेरा एक सेपरेटली क्लिप मैंने बनाया है कि आपने प्रॉपर हैंड वॉशिंग किस तरह से करनी है, सिर्फ कोरोना वायरस की प्रिवेंशन के लिए नहीं बल्कि इवन कॉमन कोल्ड्स या इन्फ्लुएंजा वायरस की प्रिवेंशन के लिए भी आपको हैंड वॉशिंग किस तरह करनी चाहिए। सो वो क्लिप भी आप जरूर देखिएगा। सेकेंड जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी हमें CDC ने बताई है वो है टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप 1 मीटर या 3 फुट के फासले पर रहें उस शख्स से जिसको कफिंग हो रही है, खांसी आ रही है या स्नीजिंग हो रही है, छींकें आ रही हैं बहुत सारी। और उसकी रीजन यह है कि अगर उस इंडिविजुअल को वो इन्फेक्टेड है किसी भी वायरस से, चाहे वो कोरोना है या और भी कोई वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो फिर आप जब ब्रीद इन करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग इन से वो ड्रॉपलेट्स वायरस के आपके अंदर भी जा सकते हैं और आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज से। थर्डली जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अवॉइड टचिंग योर नोज, योर माउथ एंड योर आइज। और उसकी रीज़न ये है कि आप जब टच करते हैं, बेसिकली हमारे हैंड सारा दिन बहुत सारे डिफरेंट सर्फेसिस को टच करते हैं, और उन सर्फेसिस के ऊपर अगर तो वो वायरस आपको आपके हैंड को लग गया है तो वो हैंड्स के थ्रू आपके बॉडी के अंदर बड़ा ईजीली जा सकता है, आपकी आइज से, आपकी माउथ से या आपकी नोज से भी। सो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को बार बार टच करने से आप अवॉइड करें। इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं फोकस करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे छोटी एज में जो नेल बाइटिंग करते हैं, वो स्पेशली इस चीज़ के लिए एट रिस्क हैं। अच्छा, नेल बाइटिंग अगेन एक वैसे भी डेफिनेटली उनके लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए आपकी वैसे भी साइकोलॉजिकल नर्वसनेस को शो करते हैं, कुछ एडल्ट्स को भी आदत होती है नेल बाइटिंग करने की, सो वो शो करते हैं उनकी नर्वसनेस को, तो ये प्रॉब्ली एक हमें एक तरह का वो एक हमारे पास टाइम भी है कि हम अपनी नेल बाइटिंग की हैबिट को कम कर सकें। अगर हमारे बच्चों में है तो उस नेल बाइटिंग हैबिट को हम उनसे कम करवा सकते हैं इस चीज का बता के। फोर्थ जो हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब यह है कि जब भी आप कफ कर रहे हैं, खांस रहे हैं या स्नीजिंग कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आपने बेंट एल्बो से जस्ट लाइक दिस आपने पूरी तरह अपना जो
स्नीज या कफ है उसको कवर करना है, और साथ में अगर आप टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं या हैंकरचीफ यूज कर रहे हैं तो इमीडिएटली उस टिश्यू पेपर को आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है, ठीक है। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन यह है कि यही वो ड्रॉपलेट्स हैं जो आपके वायरस को स्प्रेड करने का मेजर कॉज बनते हैं। लास्ट जो हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है वो ये है, सीक मेडिकल केयर एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आप अनवेल हैं, आप हेल्दी फील नहीं कर रहे, स्पेशली आपको जो तीन मेजर सिम्टम्स बार बार बताए जा रहे हैं विच इज कफिंग यानी खांसना, फीवर है, टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, और तीसरा डिफिकल्टी ब्रीदिंग यानी अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, तो ये तीन मेजर सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से, जरूरी नहीं कि जिसको ये सिम्टम्स हो उसको कोरोना भी हो, बट चांसेस हाई हो जाते हैं। सो इस केस में आप फौरन से अपनी मेडिकल केयर लें, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे बिल्कुल भी मत जाएं, घर के अंदर रहें। और पाकिस्तान के अंदर जो हेल्पलाइन इस्टेब्लिश की है गवर्नमेंट ने, दैट इज़ 1166, उसके ऊपर आप फौरन कांटेक्ट करें। बाकी जो लोग मुझे दुनिया के बाकी पार्ट्स में देख रहे हैं वो अपनी लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ से इन टच हो सकते हैं फौरन, जो भी आपके रिस्पेक्टिव हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ हैं। सो प्लीज़ फॉलो दीज फाइव मेजर प्रिवेंटिव गाइडलाइंस और अपने आप को भी प्रिवेंट करें, बाकी लोगों को भी प्रिवेंट करें। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग शायद दे मस्ट बी वंडरिंग कि इसमें मास्क का जिक्र नहीं है, तो अगेन आपको शायद पता भी होगा सीडीसी ने भी जो अपनी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज पब्लिश की हैं उसके अंदर उनका यही कहना है कि मास्क को यूज़ करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं यानी एग्जाम्पल हेल्थ केयर स्टाफ जो है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं हॉस्पिटल्स में जो लोग, उनके लिए जरूरी है मास्क को पहनना। ऐसे लोग जो खुद इन्फेक्टेड हैं उनके लिए मास्क को पहनना जरूरी है सो दैट वो दूसरे लोग को इन्फेक्ट ना करें। और थर्डली, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी आप केयर कर रहे हैं, जिसको कोरोना या कोई अदर वायरस से वो इन्फेक्टेड है, तो फिर आपके लिए मास्क पहनना जरूरी है। अदर देन दैट, आप मास्क अगर नहीं भी पहनते तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझसे कर रहे थे कि जी ग्लव्स, व्हाट अबाउट ग्लव्स, अगर ग्लव्स पहने तो उससे प्रिवेंशन हो जाएगी? नहीं, उससे भी सीडीसी की अगेन मैं गाइडलाइंस देख रहा था, वहाँ पे अगेन यही मेंशनड है कि रबर ग्लव्स अगर आप यूज़ करते हैं तो स्टिल यू कैन बी इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस और एनी अदर वायरस। तो अगेन ग्लव्स पहनना कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। फ्रीक्वेंट एंड करेक्ट हैंड वॉशिंग, उसके अंदर वो चीज़ है जो आपको बेसिकली प्रिवेंट करेगी। सो जनाब, फॉलो कीजिएगा इन सारी गाइडलाइंस को, प्रिवेंट कीजिएगा अपने आप को भी, दूसरे लोगों को भी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर लें सो दैट सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी तरह इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एज मच एज़ यू कैन, लाइक भी कीजिएगा और अपने कॉमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।